हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज थर्सडे है, मैं गलती से फ्राइडे बोलने वाली थी एंड अभी मैं बाहर जा रही हूँ क्योंकि घर में लाइक राइस ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। शायद टू टाइम्स आई कैन मेक, फिर ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे लगा चलो लेट मी गो टू इंडियन शॉप एंड मैं राइस ख़रीद कर लाती हूँ। एंड बहुत अच्छा वेदर है एंड मेरा नीचे का प्लांट एक्चुअली जो मैंने लगाया था वो बहुत सुंदर हुआ है। आई जस्ट शेयर विथ ऑल ऑफ यू। मैं जाऊंगी इंडियन शॉप एंड अभी टाइम हो रहा है 11:14 एंड थर्सडे को हम लोग मोस्ट ऑफ द बंगाली घर में लक्ष्मी पूजा होता है। तो सुबह उठ के मुझे लगा कि चलो मैं पूजा लाइक मैं नहा हुआ के मैं पूजा दे देती हूँ, तब ना ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा एक काम हो गया है। तो मैं इंडियन शॉप जाऊंगी एंड देन मैं सोच रही हूँ कि मैं पायर इम्पोर्ट जाऊँ क्योंकि बहुत दिनों से आई डिडंट डू एनी शॉपिंग एंड ऐसे मैं देख के आऊंगी, कुछ अच्छा लगेगा तो मे बी आई विल बाई। बट इंडियन शॉप जाना बहुत ज़रूरी है एंड दिस इज़ मैक लिपस्टिक। ऐसा तो मैं हर वक्त हुडा लिपस्टिक लगाती रहती हूँ पर ये शायद मैंने 2 साल पहले ख़रीदा था। ये मैक का एक नॉर्मल लिपस्टिक जो होता है ना वो है, बट द कलर इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड बहुत अच्छा भी है ये लिपस्टिक। सो इफ़ यू वॉन्ट जस्ट कमेंट पे लिखना, मे बी आई गिव यू द नंबर। शायद मैक का नंबर होता है जनरली हुडा एंड बाकी सब लिपस्टिक का ना, दे हैव नेम ऑन इट। जैसे बहुत ही मैं बोलती हूँ ना वियर्ड वियर्ड नेम होता है, बट आई थिंक सो दिस हैज़ अ नंबर ऑन इट। तो चलिए लेट्स गो नाउ। तो फाइनली मैं आ गई पायर इम्पोर्ट एंड इंडियन शॉप से लाइक जो मुझे चाहिए था। तो वो और क्या मैं दिखाऊँ, राइस एंड भिंडी वो मैंने ख़रीद लिया। एंड यहाँ पे अभी बहुत सेल चल रहा है। आई डोंट नो, US में मोस्ट ऑफ द शॉप्स यू नो आर क्लोजिंग, तो मे बी इट विल लाइक आप लोग बहुत जन बोल रहे थे कि ड्रेस बर्न भी बंद होने वाला है, मुझे पता ही नहीं था। सी दे हैव अराउंड 70% ऑफ। तो फाइनली मैं आ गई एंड लेट मी शो यू ऑल कि क्या मैंने खरीदा है। तो आई गॉट दिस फ्लावर वास। एंड उसके साथ ऊपर पे मैंने ऐसा ख़रीदा है एक्चुअली यहाँ पे, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर क्योंकि ये जगह मैं बहुत ही कम दिखाती हूँ। यहाँ पे आई हैव दिस वन, ये रेड कलर का, पर ये यू नो बहुत ही मैं बोर हो गई थी देखते देखते एंड मुझे लगा दैट लेट मी टेक समथिंग लाइक क्या बोलूँ जिसका कलर बहुत लाइट हो। सो ये अभी देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड दिस वास वॉज $79 पहले, बट नाउ यू वॉन्ट बिलीव मी आई गॉट इट ओनली फॉर $14। तो ये $14 सुन के ही मुझे लगा इमिडिएटली मुझे ले लेना चाहिए। एंड दिस ऑल आई थिंक सो दिस ऑल एक का इज अराउंड $6। कोई मुझे फोन कर रहा है, लेट मी सी। ऐसा ही बस फालतू का फोन यू नो मुझे आता रहता है। तो एनी हाउ ओवरऑल ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई शो यू ऑल नाइसली एंड देन आई गॉट 2 कुशन फॉर माई अपस्टेयर्स। तो ये दिस वन ये भी था एक खरीदो एंड एक 50% ऑफ। सो ये कुशन कवर्स आई थिंक सो दोनों मिला के वेयर अराउंड $39 लाइक दोनों एक साथ एंड बहुत ही सॉफ्ट है। तो यही था मेरा शॉपिंग एंड आई रियली लाइक्ड इट बिकॉज सी इट इज़ लाइक फॉर $14 ये बहुत सस्ता है एंड द क्वालिटी ऑफ इट इज़ सो नाइस। पर वही मुझे लगता है ना मे बी पायर इम्पोर्ट इज़ गोइंग टू क्लोज ना क्या, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन माई हाउस आर फ्रॉम पायर इम्पोर्ट ओनली, बट ये $14 वॉज टू गुड। एंड मुझे मेरे पास ऐसा और भी है, तो पहली बार व्हेन आई ब्रॉट नो दिस वेयर $9, नाउ आई गॉट इट ओनली फॉर $6।
तो चलिए अभी लेट्स गो एंड लेट मी स्टार्ट कुकिंग एंड बहुत ही सिंपल समर टाइम लंच होगा क्योंकि समर में मुझे लगता है बहुत लाइक लाइट खाना चाहिए. एंड थैंक यू ऑल, आप सबने मुझे गाइड किया हाउ टू क्लीन इट. तो सुबह उठ के आई हैव क्लीन दिस वन. क्या आ गया या तो अभी मैं मम्मी से बात करते करते मैं भिंडी काटूंगी क्योंकि मुझे लगता है अभी इंडिया में द टाइम इज अराउंड 11 o'clock एंड वो लोग लाइक 11:30 को सोते हैं. तो अभी मैं वही कर रही हूँ. सो मम्मी से बात करते करते दाल इज ऑल्सो रेडी. फिर मैंने भाजी भी चॉप कर लिया है. आलू भाजी शायद मैं रात में करूंगी, नहीं तो आलू भाजी मैं सोच रही हूँ एक्चुअली अभी कर लूँ, भिंडी भाजी मैं रात में करूंगी या ये वही अच्छा होगा. एंड क्या, एंड इसका तड़का मैं बहुत ही इजी देती हूँ जनरली दाल का. और मैंने बहुत ही लाइट बनाया है, लाइक बहुत ही पतला बनाया है, ठीक नहीं बनाया है. तो मैं 5 फूरन का तड़का दे दूंगी, दैट्स इट. एंड आलू भाजी तो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट क्या बोलते हैं, मैं सब भूल रही हूँ, सॉल्ट एंड टर्मरिक, दैट्स. सो आलू भाजी इज डन एंड बहुत ही सिंपल है. सिर्फ मैंने थोड़ा हल्दी, नमक और थोड़ा मैंने कलौंजी ऐड किया है. एंड दाल भी जस्ट मैंने बॉयल किया है. एंड यहाँ पे राइस हो रहा है. तो दाल में मैं बहुत ही सिंपल तड़का दे रही हूँ, सिर्फ मैं 5 फूरन. और मैं 5 फूरन का तड़का जब मैं देती हूँ मैं उसमें थोड़ा हींग ऐड करती हूँ एंड सम ड्राई रेड चिली. तो फाइनली माय कुकिंग इज ओवर एंड बहुत ही इजी था, पर ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छा लगता है. एंड व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट तब एवरी डे नाइट मैं सिर्फ यही खाती थी, भात दाल आलू भाजा. आई थिंक सो इन वन वीडियो व्हेन माय हबी वाज देयर लाइक Q&A था, देन मेनी ऑफ यू आस्क्ड लाइक हिम कि पायल का फेवरेट फूड क्या है एंड ही टोल्ड दैट ओनली भात दाल आलू भाजा. तो चलिए आई वॉन्ट टू टॉक विथ ऑल ऑफ यूर टाइटल से तो आप सबको पता ही चल गया होगा, पर मुझे लगता है ना जो भी बात हो मैं ये किचन में करती हूँ. तो आज लेट्स गो टू द लिविंग रूम एंड वहां पे जाके आई टॉक विथ ऑल ऑफ यू. मैं आ गई हूँ अपने लिविंग रूम में एंड आई रियली लव दिस कुशन, बहुत लाइक दे आर वेरी सॉफ्ट. एंड मुझे ऐसा मन कर रहा है कि मैं लिविंग रूम में रखूँ नहीं, पर आई कीप इट इन द अपस्टेयर्स ओनली. तो या द थिंग दैट आई वॉन्टेड टू डिस्कस विथ ऑल ऑफ यू. एंड अभी अब लाइक सन ऐसा आ रहा है जा रहा है तो यू कैन सी सम डिफरेंस इन लाइट. कि आप लोग बहुत जन मुझसे पूछ रहे हैं कि इंडिया कब जा रही हो, एंड मैंने भी 1000 बार बोला है आप सबसे दैट मे बी इन द मंथ ऑफ द अगस्त मैं इंडिया जा रही हूँ. पर अभी तक भी आई वॉन्ट टू से कि कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं हुआ है क्योंकि यू नो माई हबी इज वेरी बिजी एंड मोस्ट ऑफ यू हैव सीन ऑल्सो. तो नाउ ही हैज लॉट ऑफ हिज वर्क कमिटमेंट. एंड अगर हम लोग अगस्त में जाते हैं तो यू नो सेम थिंग विल हैपन कि हम लोग जाएंगे एंड फॉर 1 वीक ही विल टेक लीव एंड नेक्स्ट वीक से वो काम करेंगे वर्क फ्रॉम होम, विच गेट्स वेरी टफ फॉर हिम क्योंकि ही हैज टू डू इट इन द US टाइम. एंड यू नो यहाँ पे इन सभी के घर में एक सेटअप रहता है राइट, पर वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है. तो लाइक मुझे उनको देख के बहुत ही खराब लगता है, लाइक कॉन्स्टेंटली ही इज स्ट्रगलिंग, ही इज वर्किंग. तो इसलिए मैं उनको बोल रही थी यू नो जब हम लोग इंडिया जाएंगे इट विल बी लाइक ए टोटल वेकेशन जहाँ पे यू विल टेक टोटल लीव, जैसे हम लोग स्मॉल स्मॉल वेकेशन करते हैं वो मुझे अच्छा लगता है. यू नो ही इज नॉट वर्किंग. तो अभी हम लोग लाइक टिल नाउ वी आर कंफ्यूज कि अगस्त को जाए, अगर हम लोग अगस्त को नहीं जाएंगे देन वी आर गोइंग इन द मंथ ऑफ दिसंबर. पर हम लोग जा जरूर रहे क्योंकि दिसंबर में उनका फिर भी थोड़ा ईज रहता है. बट अभी लाइक इट्स टोटली लिटिल बिट कंफ्यूज क्या करे क्या नहीं. एंड आप लोग बहुत जन बोलेंगे कि पायल तुम टिकट नहीं करती हो क्या. तो आज तक जितना बार भी हम लोग गए ना वी नेवर डिड लाइक हम लोग हर वक्त लास्ट मोमेंट में ही टिकट करते हैं, जैसे जाएंगे
वन वीक बिफोर हम लोग टिकट करते हैं, एंड कभी भी हम लोग ने पहले से टिकट नहीं किया, क्योंकि ऐसा लगता है कि पहले से टिकट करो फिर यू नो अगर जाना ना हुआ तो मुझे वो बहुत मुझे वो बहुत ही डेंजर लगता है। इससे मुझे लगता है कि चलो लास्ट मोमेंट में टिकट करेंगे एंड वी विल गो, क्योंकि आप लोग बहुत जन पूछ रहे थे, सो आई थॉट दैट आई विल जस्ट टेल यू ऑल। तो इट इज़ टोटली कन्फ्यूज, अभी हम लोगों ने यू नो ऐसा सोचा है कि अभी इन ऑगस्ट एवरी डे तो और एवरी वीक तो वी कैन डिसाइड कि क्या करें, अगस्त में जाए कि ना जाए। तो अभी हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि वील सी इन द टिल द फर्स्ट वीक और या लाइक फर्स्ट के हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त वी विल सी कि कैसा रहता है, इफ एवरीथिंग इज वेल फिर हम लोग जाएंगे, एंड अगर हम लोग देखेंगे कि नहीं हो रहा है देन वील गो इन द डिसम्बर, क्योंकि दैट विल बी लिटिल बिट मोर ईज। एंड डिसम्बर में मैंने देखा है कि इफ आई गो राय का ज़्यादा दिन नहीं, शी विल मिस हर स्कूल फॉर 6 डेज, पर या अगस्त में जाए तो वही अच्छा था कि राय वन मिस हर स्कूल फॉर लाइक उसका स्कूल अभी तो बंद ही है, तो पर क्या करें यू नो व्हेन यू लिव सो फार नाउ इट्स नॉट पॉसिबल, ट्रस्ट मी। एंड बहुत जन आप लोग मुझसे एग्री करेंगे यार दैट मेनी पीपल, एंड बहुत जन आप लोग कमेंट पे भी लिखते हैं कि पायल मैं इंडिया जा रही हूँ आफ्टर 4 ईयर्स, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरी वन टू गो एवरी ईयर, देन ऑल्सो बाई द ग्रेस ऑफ द गॉड आई एम वेरी लकी कि मैं एवरी ईयर में अभी इंडिया जाती हूँ, बट ट्रस्ट मी देर आर सो मेनी पीपल्स जो लोग एवरी ईयर इंडिया नहीं जा सकते, इट इज सो फार एंड बहुत सारा फैक्टर्स रहता है यू नो, गोइंग ऑल्सो इन नीड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, मोस्ट ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ। सो अभी ये ऐसा है कि मे बी मैं हम लोग अगस्त में जा सकते हैं, अगर हम लोग अगस्त फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तो क्या है देन वील बी हियर ओनली, क्योंकि मैं बाद में नहीं जाना चाहती हूँ एज राय स्टार्टिंग हर मिडिल स्कूल, तो आई डोंट वॉन्ट हर टू मिस ए सिंगल फर्स्ट डे ऑल्सो, क्योंकि बच्चे लोग भी डरे हुए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू मिडिल स्कूल, तो एनी हाउ वही हम लोगों ने सोचा है, अदरवाइज वील गो इन द मंथ ऑफ द डिसम्बर, तो अब थोड़ा ईज भी रहेगा एंड डिसम्बर में भी राय का ऐसा कोई भी एक्टिविटीज कुछ भी नहीं रहता है, एंड सन आ रहा है जा रहा है एंड आई थिंक सो नाउ इज 2:30 एंड लेट्स गो एंड लेट्स गेट राय एंड राय को समर कैंप से लाने के बाद फिर हम लोगों ने खाना खा लिया एंड राय बहुत टायर्ड हो चुकी है, तो मैंने उसको बोला कि तुम थोड़ा रेस्ट ले लो, एंड ये एक्चुअली ये फ्लावर वास भी बहुत ही सुंदर है, तो आई एम प्लानिंग कि आई विल कीप इट अपस्टेयर्स, मैं सिर्फ थोड़ा साफ कर रही हूँ, पर दिस इज वेरी इजी टू क्लीन ऑल्सो, एंड मेरा ऊपर बहुत ज्यादा गंदा है लाइक ऊपर देख के यू कैन अंडरस्टैंड दैट समर वेकेशन इज गोइंग ऑन, एंड ये टेबल के बारे में तो इट्स लाइक टेरिबली बैड, क्योंकि राय पेंटिंग करती रहती है एंड वी केप्ट इट लाइक दिस, और कितना साल ही वो करेगी, नेक्स्ट ईयर शी विल बी इन 7th ग्रेड, एंड दिस कुशन कवर्स आर रियली नाइस, बहुत सॉफ्ट है, तो मुझे लगा चलो यहाँ पे ही रखती हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैठ के टीवी देखते हैं। फाइनली अभी टाइम हो गया है 4:30 एंड नाउ माई ये रूम्स नीट एंड क्लीन लग रहा है, एंड मोस्ट ऑफ यू कैन फील कि ये रूम का जो फर्नीचर है ना बिल्कुल भी कोऑर्डिनेटेड नहीं है, ईच फर्नीचर इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि लाइक जो हम लोगों का पुराना फर्नीचर था लाइक दिस सोफा, सो द सोफा इज बहुत ही अच्छा है, दिस इज द फर्स्ट सोफा हम लोग जब यूएस आए थे, वी गॉट दिस सोफा एंड सो मेनी पीपल ऑल्सो दैट टाइम स्लेप्ट इन दिस सोफा, कोई भी आता था घर पे तो लाइक देयर वॉज और एक एक्स्ट्रा बेड नहीं था हम लोग के पास, सो दे यूज टू स्लीप इन दिस सोफा, लाइक कोई ऐसा सिंगल कोई आता था तो सो एंड बहुत सारे यादें हैं लाइक इस सोफा के साथ जुड़े हुए हैं, तो वी थॉट नो विल कीप दिस सोफा एंड बहुत ही अच्छा है यू नो, अगर खराब हो जाता देन यू फील लाइक थ्रोइंग इट आउट, पर मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि द फर्नीचर्स आर गुड एंड वाई टू थ्रो इट आउट, जैसे कि ये टेबल पे तो राय
सीट कितना ज्यादा गंदा है, बिकॉज राय अभी भी आती है ना, शी पेंट्स हेयर एंड कुछ कुछ पेंट तो लग ही जाता है. तो ये मे बी अनदर वन ईयर देन आई हैव टू थ्रो दिस टेबल एंड आई गेट ए नाइस वन. तो वही मोस्ट ऑफ द थिंग्स एंड कुछ कुछ, जैसे ये हम लोगों ने नया खरीदा था, नया मतलब इट्स बीन अराउंड 4 ईयर्स एंड दिस इज सोफा कम बेड. ये बहुत ही अच्छा है एंड अगर आप इसको निकालेंगे ना, द बेड इज ऑल्सो लाइक अच्छी तरीके से आप सो सकते हैं. द मेट्रेस ऑल्सो इज वेरी थिक एंड ये शायद हम लोगों ने लास्ट ईयर खरीदा था. मुझे ये सब चेयर ना बहुत ही अच्छा लगता है. वन इज इन माई बेडरूम, पर यहाँ पे नो बडी सीट्स इन दिस चेयर, क्योंकि अगर आप ये चेयर पे बैठेंगे ना, सो टीवी इज फार एंड सब लोग वो सोफा सेट पे ही बैठेंगे. आप लोग के घर में भी ऐसा होता है कि, मुझे कमेंट पे जरूर. सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन. अभी मैं जा रही हूँ राय के एक्टिविटी, चलो लेट्स गो मामा एंड विश यू ऑल ए हैप्पी वीकेंड. बहुत मस्ती कीजिएगा एंड आई विल मीट यू ऑल मंडे विथ ए न्यू वीडियो. सो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी. Bye bye. Happy weekend.